तो आज मैं खुलासा करने वाली हूँ एक बहुत बड़ी हस्ती का। हस्ती इसलिए कह रही हूँ, घर से निकलते ही पायल मलिक का राखी पर फूटा है गुस्सा। राखी सावंत के कमेंट का पायल ने दे दिया है मुंह तोड़ जवाब। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 इस वक्त खूब लाइमलाइट में छाया हुआ है। शो को लेकर लगातार कई न्यूज सामने आती रहती है। हाल ही में शो से पौलोमी दास इविक्ट हो गई हैं। इससे पहले नीरज गोयद और पायल मलिक का भी शो से इविक्शन हो चुका है। शो में कई कंटेस्टेंट्स के बीच अब तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो वो है अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों की। अरमान मलिक अपनी दो वाइफ्स के साथ शो में आए थे, जिस कारण उन्हें फैन से लेकर कई स्टार्स ने ट्रोल किया था। हर कोई अरमान मलिक पर निशाना साधते नजर आया। इसी पर अब शो से बाहर हुई अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने एक एक कर सभी ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। राखी सावंत ने भी अरमान को लेकर कई वीडियोस बनाई थी और कहा था वो पायल मलिक को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। अब पायल ने राखी की इन्हीं वीडियोस पर अपना रिएक्शन देते हुए एक वीडियो शेयर कर राखी को जमकर लताड़ लगाई है और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दे दी है। पायल ने राखी को उनके कमेंट्स के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि पहले राखी को अपनी शादियों को क्लियर कर लेना चाहिए। उन्हें इंसाफ दिलाने से पहले राखी को उन लड़कों को इंसाफ दिलाना चाहिए जिनके साथ उन्होंने ना जाने कितनी बार शादियां की हैं। इसके अलावा पायल ने राखी सावंत को चेतावनी देते हुए कहा कि ये उनकी आखिरी वीडियो नहीं होगी। अगर राखी पायल पर फिर से वीडियो बनाएंगी तो वो उसका जवाब जरूर देंगी और इस बार सबूत भी साथ लाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पायल के इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, तो आज मैं खुलासा करने वाली हूँ एक बहुत बड़ी हस्ती का। हस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है और चर्चा में रहती है अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से, क्योंकि वो एक्चुअली अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वीन समझती है, बड़ी एक्टर समझती है, बड़ी मॉडल समझती है। तो आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शायद आपके पास काम नहीं है इसलिए कोई भी मुद्दा उठाती है उस पे वीडियो बना के छोड़ देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी सावंत की। जी हाँ, राखी सावंत की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है उसने हमारी फैमिली को टारगेट कर दिया है और उनका कहना है कि वो मुझे दिलाने वाली है इंसाफ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहन कि मुझे तेरे इंसाफ की जरूरत नहीं है, पहले तू इंसाफ कर दे उन नौजवानों के साथ जिनके साथ तूने ऑलरेडी आई डोंट नो 3-4 तूने कितनी शादी करी है। जब आप हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हो, गोलू को छिपकली कह रहे हो, अरमान जी को यूज़ कर रहे हो, तो उसका हक आपको किसने दिया है? किसने आपको बोला, या मैं आपके घर आई थी या मैंने आपको कॉल किया था कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फॉलो भी क्यों किया आई डोंट नो। आपको लग रहा था कि मैं बाहर आ चुकी हूँ बिग बॉस हाउस से तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी मिलेगी या मैं किसी की बुराई करूंगी, मैं घर की कोई बात बोलूंगी। तो देखो, हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी और से जो है इंसाफ लेना पड़े या किसी की दया की मुझे जो है जरूरत पड़े, ऐसा मेरे को कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है। पर ये मेरी आखिरी वीडियो नहीं होगी। अगर दोबारा तुमने वीडियो बनाई तो विद प्रूफ मैं आपको शो करूंगी कि आप जो है कॉन्ट्रोवर्सी के लिए सब कर रही हो, क्योंकि आपकी एक रिकॉर्डिंग है जो आपने कहीं शेयर की थी जहाँ पे आपने बोला है कि उस लड़के का नाम मैंने गलत ले लिया है, उसको ना कट कर देना। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं वो रिकॉर्डिंग दिखाऊं तो नेक्स्ट वीडियो में वो रिकॉर्डिंग के साथ मैं प्रूफ दूंगी कि वो जिस बंदे के बारे में वो बात कर रही है अपनी वीडियोज में बार बार, वो उनके बारे में उनका नाम तक भी नहीं जानती है। सिर्फ कहीं से उनको पता चला कि इस पे वीडियो बना दो तो वापस लाइमलाइट में आ जाओगी। आप खुद मुंबई में नहीं हो, दुबई में जाके बैठी हुई हो, क्योंकि आपको पता है आप क्यों जाके बैठी हुई हो, वो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा मुंबई जानता है कि आप क्या करती हो, क्यों करती हो, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बस हो गया मेरी बहन, बंद कर दे ये सब, मुझे तेरे से इंसाफ नहीं चाहिए। पहले तू इंसाफ कर दे उन मर्दों का, उन आदमियों का जिनके साथ तूने शादी करी है, शादी करके धोखा दिया है उनको, परेशान।